हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम जा रहे हैं सिसिली की और कतानिया की एक बहुत ही अहम जगह है जिसे कहा जाता है कि माउंट एथना। तो आज हम माउंट एथना पे जा रहे हैं, ट्रैकिंग करेंगे और हमने सुना है कि वहाँ पे स्नो फॉलिंग भी हुई है, तो वहाँ पे स्नो भी देखेंगे, उसको भी एक्सपीरियंस करेंगे। अली भाई हाई कर रहे हैं आप लोगों को, और अली भाई ने डोट ले लिया है। हमने जाना है जवानी वैंती तरह पे, और उस वहाँ तक जाने के लिए हमने अपनी प्राइवेट राइड बुक की है, प्राइवेट राइड ले लिया और वहाँ चलते हैं। वहाँ से आगे फिर हमने एक न्यू बस लेंगे जो माउंट एथना पे सुपर ले जाएगी। सही होगा। तो नाज़रीन, मिलते हैं आपको माउंट एथना पे। यूरोप में वैसे भी तो बहुत सारी एक्टिव वॉल्केनो है, लेकिन जो माउंट एथना है इसकी खास बात ये है कि इसकी जो हाइट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक ये सबसे हाईएस्ट है। इसकी जो हाइट है अप्रोक्सीमेटली 11,000 फीट है, और जो इसके अंदर फर्स्ट एयर एपरेशन जो कि रिकॉर्डेड है वो 2000 साल पुरानी है, और ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। और इवन के ग्रीक के ज़माने में भी ये कहा जाता है कि ये ग्रीक जो थे वो इसको गॉड मानते थे, गॉड ऑफ फायर मानते थे, ठीक है, आग का खुदा मानते थे। तो ये काफ़ी मतलब के फेमस है, और आसपास के सिसिली के और इधर से काफ़ी टूरिस्ट आते हैं जो इस एक्टिव वॉल्केनो को देखने के लिए आते हैं। और इसकी जो हाइकिंग है वो इतनी मुश्किल नहीं है, ट्रैकिंग बहुत ईजी है, और सुना है ऊपर स्नो फॉलिंग भी हो रही है। तो चलते हैं, इसको एक्सपीरियंस करते हैं और देखते हैं क्या सीन है ऊपर। नीचे बर्फबारी हो रही थी, बाहर स्नो फॉलिंग हो रही है। ये मैंने छुट्टी ले लेते हैं, रेडी हो जाते हैं क्योंकि ठंड है, यू नो। यहाँ पे हमारी मम्मा भी नहीं है जो हमें बाद में टेक केयर करेगी हमारी। अभी हम एक मतलब पॉइंट था यहाँ पे जहाँ पे बसेस वगैरह ने हमें ड्रॉप ऑफ कर देना था, क्योंकि आगे बस नहीं जा सकती। तो हम वहाँ पे आए हैं, तकरीबन हमें 1.5 घंटा लगा है, क्योंकि बस ने वहाँ पे 15 मिनट स्टॉप भी किया है, क्योंकि हाइकिंग बहुत ज़्यादा ना तो इंजन को रेस्ट देनी होती है। तो हमें 1.5 घंटा लगा है और हम इस पॉइंट पे आ गए हैं। और जी तो ये भाई बहुत अच्छे इटालियन स्पीकर हैं, तो ये कुछ कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इधर बस नहीं आएगी, बस उधर ही रुकेगी। तो अभी हल्की हल्की स्नो फॉलिंग भी हो रही है गाइज, आप देख सकते हैं। और कहना ये था कि मज़ा आ रहा है, मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी जी ओके आप अभी आप देख रहे होंगे कि स्नो पड़ रही है और हवा की वजह से ना स्नो फेस को जरा ना रगड़ती हुई जा रही है, लेकिन ये मेरा मसला नहीं है। मसला क्या है? मेरा मसला ये भी नहीं कि रोड सारी स्लिपी है, ये भी नहीं है। ओके, मसला है कि लोग यहाँ पे थर्मल ड्रेस पहन के आए हुए हैं, मैं इंटरव्यू में भी नहीं पहना। इसको किसी ने बताया नहीं था ना कि आज स्नो फॉलिंग हो रही है। आप गाइस नहीं समझ सकते गाइस, हवा बहुत तेज चल रही है। गाइस देखें, गाइस देखें, ये की मजे हैं हमारे। कितने यूरो में? मेरा तो फ्री टूर है, बाकी तू नहीं पता, वैसे तो 4 ही यूरो मेरे कम से। तुम्हें हर दफा ये फ्री वाला जो कीड़ा आता है ना उसका मुझे पता है। Oh,
अपने सफर की तरफ रवा था मैं, और हैदर कह रहा था मैंने आपसे कुछ शेयर करना है, तो आज सुनते हैं हैदर की कहानी, हैदर की जुबान नहीं, ये हम सब की कहानी है, सुतूती का नहीं। ओके, और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम अपने सफर की तरफ रवा गवा है। ओके, मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ क्योंकि हवा बहुत ठंडी है, और थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, इससे पहले की रिकॉर्डिंग की थी वो कवर अप नहीं हो सकी, विंड का शोर बहुत ज्यादा था। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस साइड पे वो देखे, उस तरफ को देखेंगे आपको दूर से केटू नजर आ रहा होगा। ओके, और इस तरफ आप देखेंगे तो बाकू की पहाड़ियां नजर आ रही है, जिसका मतलब है कि हम पाकिस्तान से होते हुए ईरान और ईरान से अब तुर्की में दाखिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये ट्रैक को जो मुझे कुछ और लग रहा है, चलो इट्स ओके, ओके ओके ओके, ये कोई और सफर लग रहा है। इस टाइम हम 17,260 पहुंच चुके हैं, और माशाल्लाह मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसकी टोटल जो ऊंचाई है वो सिर्फ 11 था। अच्छा, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। नहीं, इसकी टोटल ऊंचाई 3,700 फुट है। ओके ओके, लेकिन हम चूंकि वर्टिकली जा रहे हैं ग्रेविटी के ऊपर की वजह से आपको मल्टीप्लाई करके एक्चुअल फिगर बता रहा हूं कि हम कितना ट्रैवल कर। प्लीज प्लीज कंटिन्यू, अपना जो कहानी है वो बयान करें। दूसरी बात यह है कि मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि यहां पे एक नारा लगाना चाहूंगा कि रियासत सियासत नहीं, रियासत बचाएं और अपने सासों को अच्छे तरह कवर करें। असासे? हाँ, ओके, सबके जो जो ओके 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 प्रॉपर्टी स्टॉपर्टी। ओके ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई है कि बहुत सारे लोग मेरे यहाँ पे जो फॉरनर्स देखे हैं उनको आज के टेम्परेचर का आइडिया था, हमें चूंकि नहीं आइडिया था, मुझे रात को 10 बजे एक बंदे की कॉल आई, नामूलूम अफराद की कॉल आई। ओके, उसने मुझे कहा कि सुबह आपने ऐतना जाना है, वीगो में डाल के ले गए आपको, ये मुझे पहाड़ों में से मिली है। ओके, मैं यही कहना चाहूंगा कि जहाँ आगे और भी है तो आगे गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या मेरे गांव। गाइस, हमें आग की यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई, लेकिन हम काफ़ी देर से आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे आग नहीं जल रही, आप इसे देख सकते हैं, काफ़ी तगो दो में हमने आके ओए हद चलानी आ गई मुझे। ये देखें नाज़रीन, मैं अभी आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो फॉरेस्ट की तरफ आ रहे थे, उन्होंने मेरे साथ और तो उन्होंने बताया कि आज से 4 दिन पीछे कुछ नौजवान नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, वो भी बिल्कुल इनके जैसे थे, शीजा और फिजा जैसे थे। उन्होंने कहा कि वो कुछ भागने आए थे, क्या आप ही भागने आए? हमने कहा नहीं, हम भागने नहीं आए, हमारी मजबूरी है, हम बस अफोर्ड नहीं कर सके, हमें पैदल जाना पड़ा है। मेरी यहाँ मजबूरी को समझे, जो नौजवान आज से 4 दिन से यहाँ पर आए थे, मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि भागने की हरकत पाकिस्तानी छोड़ दे। मेरे हाथ में चम्मच है अली भाई, चुपे हुए हैं,
अली भाई बहुत ही मिर्चे बहुत है स्पाइसी पकाई ना रात को ही मुझे पता लग गया था स्पाइसी है। हैदर भाई आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी तो नहीं है, पैसे देने हैं आपने मंजारे को सी सी। मेरा दोस्त है जी, ये कह रहा है कि मैं आज आपको बर्फ से एक बहुत ही नायाब चीज़ बना के दिखाऊंगा, तो उसी तक वो दो में लगा होगा बेचारा। जी तो गाइज़ ये था आज का हमारा व्लॉग माउंट एतना के बारे में। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, वहाँ पे जो स्नो फॉलिंग थी उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमने मरी में भी इसको एक्सपीरियंस किया है मैंने, ठीक है, और लेकिन वहाँ पे उसका एक अलग सीन है, लेकिन यहाँ पे एक यूनिक बात है इसकी। और जो यहाँ पे एक इशू ये हुआ कि हवा जो थी ना वो बहुत तेज़ थी, और जो जिसको आप हमारी वीडियो में भी देख सकते हैं काफ़ी डिस्टॉर्शन वगैरह हुई है। तो अभी हमसे ऊपर बियर नहीं हो रहा था भाई, हैदर तो हमसे पहले ही आ गया था। हमने कोशिश की है थोड़ी बहुत वीडियोज़ बना लें और वो बना के फिर हम लोग नीचे की तरफ आ गए। हम बिल्कुल पीक के ऊपर नहीं गए, वो काफ़ी मुश्किल हो जाना था हमारे लिए क्योंकि वो हवा बहुत तेज़ थी, इवन इतनी तेज़ थी कि हमसे सही तरह से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। फिर हम लोग वापस आ गए, तो अभी हम होटल में वापस आए हैं, खाना वगैरह खाया और हमें थोड़ी सी जान आई है, हीटर वगैरह थोड़ा सा सेका है हमने, उन्होंने आग वगैरह भी चलाई हुई थी, तो वो हमारा सीन हो गया हुआ। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और डू फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।